Assalamualaikum my YouTube family, I hope आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खुश और मजे में होंगे। So viewers, आज मैं बहुत ही ज्यादा चटपटी रेसिपी आपके साथ लेके आई हूँ। हरी मिर्च देख के आप खुश तो गेस जरूर कर रहे होंगे, जो भी गेसिंग है वो कमेंट में जरूर बताएं। बट रेसिपी को शेयर करने से पहले मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ दही वाली चटपटी मिर्च की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। दही वाली चटपटी मिर्च बनाने के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ पे 20 हरी मिर्च ले ली है, जिसे मैं इस तरह से इसके हेड को कट करूंगी और ये तेल से हाफ करूंगी और ये तेल से हाफ करती हुई आऊंगी। दैट्स इट, इतने ही रखना है हमें। इसी तरह से हम बाकी सभी हरी मिर्च को स्लिट कर लेंगे। सो व्यूवर्स, हरी मिर्च को करते हैं साइड में और यहाँ पे हमारे पास मोटा पेस्टल, और अब हमने मोटा पेस्टल में ऐड करना है धनिया, साबुत धनिया है 1 टीस्पून, काली मिर्च के कुछ दाने हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, जीरा 1/2 टीस्पून, सबको इसमें डाल दें। और अब हमें इसे दरदरा दरदरा सा कोट लेना है। सो व्यूवर्स, इसे क्रश करते हुए मुझे 5 से 7 मिनट लगे हैं। तो हमें इस तरह से दरदरा दरदरा चाहिए। कस्टर्ड ऑयल अराउंड 2 टेबल स्पून, दैट्स इट। इसे बहुत ज्यादा गर्म करने की जरूरत नहीं है। और अब मैं इसमें ऐड करूंगी मस्टर्ड सीड अराउंड 1/2 टीस्पून, साथ ही 2 से 3 पिंच आप इसमें ऐड करेंगे हींग का। और इन सब के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च, बहुत ज्यादा स्प्लटर करने की जरूरत नहीं है। एक बार इसे चला लिया और अब मैं इसमें ऐड करूंगी ये जो मसाले हमने क्रश किए थे अचार के, इसे ऐड करेंगे। अब इसमें जाएगी रेड चिली पाउडर एज पर द टेस्ट, मैंने 1/2 टीस्पून लिया है। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, सॉल्ट एज पर द टेस्ट, फिलहाल मैंने 1/2 टीस्पून यूज किया है। और इसे हम एक बार करेंगे नाइफ स्टर, हल्का सा मिक्स कर लें आप इस तरह से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं दही वाली चटपटी मिर्च बना रही हूँ, तो बिना दही के ये रेसिपी इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी हंग कर्ड है मेरे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून, इसे इसमें ऐड कर देते हैं और अच्छे से करेंगे हम मिक्स। इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे 2 मिनट के लिए बस हम कुक करेंगे कि स्पाइसेस और दही अच्छे से हमारी हरी मिर्च के साथ मिक्सअप हो जाए। सो व्यूवर्स, यहाँ पे 2 मिनट हो गया है दही और हरी मिर्च को कुक होते हुए। तो ये देखिए बहुत अच्छे से कुक हो गई, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि इसने अपना कलर भी लूज नहीं किया है। तो हमें इसी तरह की हरी मिर्च चाहिए दही वाली। तो चले गैस को करते हैं बंद। तो आ रहा है ना मुंह में आपके भी पानी। सो व्यूवर्स, यहाँ पे है फाइनल लुक हमारी दही वाली चटपटी मिर्च का। ये देखने में जितनी ज्यादा टेम्पटिंग है, ये बनाने में उतनी ज्यादा इजी है। आपने करना ये है कि मेरी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिएगा। एंड आप चाय के साथ पराठा बनाएं और इस मिर्च का मजा जरूर लीजिए, इंशाल्लाह आपको जरूर पसंद आएगी ये रेसिपी। तो अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना मत भूलिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करें। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज लाइक द वीडियो, डू नॉट फॉरगेट टू शेयर विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड ऑल्सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। चलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।